प्रमेय दो, कथन। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं PQ और RS है तथा कोण POQ बराबर है कोण ROS से। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है PQ बराबर RS। उत्पत्ति यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज आर ओ एस में। सबसे पहले हम लेंगे कि ओ पी बराबर है ओ आर से, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसी तरह से दूसरा जो रेखाखंड हम लेंगे इसमें त्रिभुज में ओ क्यू बराबर है ओ एस से, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ एस से, ये हमारे पास दिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अतः त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर ओ एस से। यहाँ पे यहाँ हमने भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम लगाया है। तो जब क्योंकि त्रिभुज हमारा पी ओ क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर ओ एस से, तो इसीलिए पी क्यू जो है बराबर है आर एस से। यहाँ पे हमने दोनों रेखाखंड को बराबर बताया है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। इस तरह से हमने दोनों त्रिभुज के जो जीवा है पी क्यू और आर एस जो है उसको हमने बराबर बताया है। यही इस प्रमेय में सिद्ध करना था। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं, तथा विलोमतः यदि दो चाप सर्वांगसम हो तो उनके संगत जीवाएं बराबर होती हैं।